दोस्तों अभी हम हैं यहाँ पे आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा से 120 किलोमीटर के समथिंग में, और हम यहाँ पे आए हैं कोकोवा के फार्म पे। कोकोवा, आपने चॉकलेट के बारे में जरूर सुना होगा। चॉकलेट कैसे बनाई जाती है, किस चीज से बनाई जाती है? पहले हमें लगता था कि चॉकलेट जो है वो कॉफी बीन से बनाई जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो हमारी गलती थी। असल में चॉकलेट बनाई जाती है कोकोवा बीन्स से। मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। ये कोकोवा का पेड़ है और जो कोको का फल है वो ये है, और इसके अंदर से बीन्स निकलते हैं, और जो बीन्स होते हैं, बीन्स को निकाल कर, सुखा कर, प्रोसेस कर कर, और जब एक जो डार्क रंग है उनका वो आ जाता है, फिर उससे सारी चॉकलेट्स और दूसरी चीजें बनाई जाती है। ये यहाँ पे जो प्लांटेशन की गई है, मेरे ख्याल से 10 से 12 साल के समथिंग का होगा, और इनके बीच में जो दूसरा पेड़ भी डाला गया है जो कोकोनट का है, ऊपर आप देख सकते हैं, ये कोकोनट का है, और साथ में इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 10 फीट के समथिंग का है यहाँ पे पीछे। और आज हम जानेंगे, हरी मोहन जी है जो यहाँ पे फार्मिंग कर रहे हैं, कि कोकोवा की जो फार्मिंग है या उसको कैसे किया जाता है, कैसे प्लांटेशन की जाती है, कितना हार्वेस्टिंग होता है, किस तरीके से लोग बाग कर सकते हैं, क्या सिर्फ ये जो कोस्टल एरियाज हैं इनके अंदर ही इसकी फार्मिंग होती है या दूसरे एरियाज के अंदर भी फार्मिंग की जा सकती है, और एग्जैक्ट पूरा प्रोसेस क्या होता है, पकता कैसे है, ये सारी चीजें आज हम जानेंगे। तो बड़ा अच्छा लगा हमें यहाँ पे आके। तकरीबन मेरे ख्याल से ये आपका जो हमारा विजिबिलिटी अभी हमें आ रही है, अभी हरिमोहन जी आए नहीं है, तो ये आपका 4 एकड़ के समथिंग में जो हमें दिख रहा है, शायद इससे ज्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है। और ये जो कोकोवा है, एक और चीज दिखा देते हैं। कोकोवा आपने कटहल के बारे में जरूर सुना होगा, तो कटहल की तरह ही लगता है ये ऐसे यहाँ पे जो इसका तना है उनके ऊपर ही ये लगेगा, और ये नया भी आ रहा है, देखिए मैं दिखाता हूँ, ये फूल इसका आ रहा है यहाँ पे, ये इससे मेरे ख्याल से यहाँ से कोकोवा बनेगा। और ये जो कोकोवा है ये पूरे साल का ही एक फल है, हमेशा आता ही रहता है, आता है और पीला होके पक जाता है, मैं फिर पीला या मेरे ख्याल से काला होके पक जाता है और गिर जाता है, शायद इस तरीके से मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पे गिरा हुआ है, और फिर इसको उठाकर, इसके बीन्स निकालकर, सुखाकर, प्रोसेस करके सारी चीजें बनाएंगे। तो अगर पूरा ही डिटेल में हरिमोहन जी के वर्ड्स में आपको जानना है कि कैसे फार्मिंग होती है, तो आप यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक पर, दोनों ही वीडियो आएगी जल्दी आपको देखने को मिलेगी।